हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी गेम के लैग को कैसे ठीक कर सकते हो। क्योंकि गाइस, जब हम पबजी गेम को अपने फोन में खेलते हैं तो उसी टाइम पे हमारे फोन में काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेज आते हैं और कॉल्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है और हमारा इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पिंग बढ़ जाता है और हमारा गेम लैग करने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसका सलूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो और गाइस कैसे आप अपने फोन में स्मूथली पबजी गेम को खेल सकते हो। तो गाइस, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरजी टेक्निकल में, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए नए जानकारी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए फोन को हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस, हम आ गए फोन को हम स्क्रीन पे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पबजी गेम के लैग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। गाइस, जिसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गेमिंग मोड, और गाइस ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इसकी 4.1 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, हमारा जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह स्क्रॉल करना है और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब गाइस, जिसके बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और आपके फोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस पबजी गेम को सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे हम पबजी गेम पे टिक कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब गाइस, आपको इसमें कुछ सेटिंग करना है, आपको यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर बैकग्राउंड ऐप्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों, इसको भी आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। अब आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके परमिशन को अलाउ कर देना है। दोस्तों, जब आप इस सेटिंग को इनेबल कर दोगे तो गाइस आपके फोन के बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन करेंगे ये एप्लीकेशन उनको ऑटोमेटिक बंद कर देगा, और गाइस आपको पबजी गेम खेलने में काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको एग्रेसिव पे सेट कर देना है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाएंगी, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा ऑटो रिजेक्ट कॉल, आपको इसको इनेबल कर देना है। कोई भी अगर आपके फ़ोन पे कॉल करेगा तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक व्हाट्सएप कॉल्स, आपको इसको भी इनेबल कर देना है। अब दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन ब्लॉकिंग का। गाइस, हमारे फ़ोन में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, यूट्यूब के, तो गाइस यहाँ से आपको इसको भी डिसेबल कर देना है। अब आपको यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे तीन चीज़ें हमने ब्लॉक कर दी हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लॉक इंटरनेट एक्सेस फॉर अदर एप्स, आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जितने भी एप्लीकेशन डेटा को कंज्यूम करते हैं, डेटा का एक्सेस लेते हैं, आप उनको भी ब्लॉक कर सकते हो, आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों, जितने भी एप्लीकेशन डेटा को एक्सेस करते हैं वो सभी ब्लॉक हो जाएंगे और दोस्तों, जो डेटा है वो डिवाइड नहीं होगा, पूरा डेटा पबजी गेम को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। अब दोस्तों, चलिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। आपको सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस यहाँ पे आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ वर्जन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 7 बार आपको क्लिक करना है। गाइस, जब आप यहाँ पे 7 बार क्लिक करोगे तो डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 बार क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाते हैं और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे सीधा नीचे जाना है और गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का, आपको इस पर क्लिक करना है और गाइज यहाँ पे दूसरे नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस का, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, हमारा जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन में पबजी गेम को खेलोगे तो गाइस आपका गेम कभी भी लैग नहीं होगा, जो पिंग है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको पबजी गेम ओपन करके भी दिखा देता हूँ।
तो गाइज आपको पबजी गेम खेलने के लिए आपको सबसे पहले गेमिंग मोड वाले एप्लीकेशन में जाना है। गाइज जब भी आप पबजी गेम खेलोगे गेमिंग मोड एप्लीकेशन से ही खेलना है। अगर दोस्तों आप पबजी गेम को गेमिंग मोड एप्लीकेशन से ओपन नहीं करोगे तो दोस्तों ये जो सेटिंग है ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम पबजी गेम को ओपन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो गेमिंग मोड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों हमारा गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे पिंग को देख सकते हो 72 MS है और गाइज ये अप डाउन होता रहेगा और ये 100 से ज़्यादा नहीं जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 32 M हो चुका है। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 52 MS हो चुका है। तो गाइज जब आप इस तरह सेटिंग करके पबजी गेम को खेलोगे तो गाइज आपका जो गेम है वो कभी भी लैग नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूथली काम कर रहा है। तो गाइज इस तरह आप बहुत ही आसानी से पबजी गेम के लैग को ठीक कर सकते हो। अब आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो जो पिंग है वो 40 M है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।